B10 लीग के पहले क्वालिफायर मुकाबले में पख्तूनस टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ 17 गेंदों में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली। अफरीदी ने अपनी पारी में 7 छक्के और 3 चौके लगाए। उनकी तूफानी पारी की बदौलत पख्तूनस ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 13 रनों से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई पख्तूनस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने 9 के स्कोर पर कैमरन डेलपोर्ट का विकेट गंवाया। यहां से आंद्रे फ्लेचर 16 और शफीकुल्ला शफीक 22 ने 36 रनों की साझेदारी करते हुए पारी को रफ्तार दी। हालांकि वॉरियर्स के गेंदबाजों ने अपनी टीम को जबरदस्त वापसी कराई और एक समय पख्तूनस का स्कोर 74/4 हो गया। इसके बाद कप्तान शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और अपने इरादे साफ कर दिए। अफरीदी ने वहाब रियाज के एक ओवर में 4 लगातार गेंदों पर 4 छक्के लगाए। अफरीदी ने 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और वो अंत तक नाबाद रहे। उनकी ताबड़तोड़ पारी की बदौलत पख्तूनस ने 10 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। वॉरियर्स के लिए हार्ट्स विल्सन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए तो आंद्रे रसेल और रवि बोपारा ने 1-1 विकेट लिया। शाहिद अफरीदी के शानदार अर्धशतक की बदौलत पख्तूनस ने जीत हासिल की। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।